ओम शांति। आज 27 अगस्त 2023 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 16 नवंबर 1995 के महावाक्य है, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। मुख्य पॉइंट्स। पहला, बाप दादा बोले, अमृत वेला सारे दिन के आदि का समय है, तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। दूसरा, बाप दादा ने कहा, जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। तीसरा, बाप दादा बोले, अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। चौथा, बाप दादा ने कहा, बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। पांचवा, बाप दादा बोले, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उल्टे हों, चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। छठा, बाप दादा ने कहा, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं, कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। सातवां, बाप दादा बोले, जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। ओम शांति। ओम शांति।